नेक्स्ट है हमारा डेट फंक्शन के अंदर में आपको विच ईयर हैज द हाइएस्ट प्रॉफिट आपको निकालना है, ठीक है, कौन से ईयर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन उससे पहले हमको क्या करना है, कौन से ईयर के अंदर में प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो ईयर निकालना है, ठीक है, कौन से ईयर में वो प्रॉफिट आ रहा है। सो आई विल गो हियर और यहां पे मैं क्या करूंगा, रादर देन यही कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी एंड आई विल पुट हियर वो ईयर का किस तरह से उसमें से ईयर को मैं बाहर निकाल सकता हूं एंड उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे जो मेन क्वेश्चंस बन रहे हैं। राइट, आ जाते हैं यहां पे, मैं लिखता हूं ईयर और यहां पे लिखते हैं हम, यहां पे भी क्या कर देंगे ईयर। ठीक है, ईयर फंक्शन डाल दिया, हम एंटर करेंगे तो हमको वो ईयर मिल जाएगा जिस ईयर के अंदर में वो ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट के अंदर से वो ईयर 2011 में ट्रांजैक्शन हुआ था। कैलकुलेट किया, डे किया है, मंथ किया है, क्वार्टर किया है, ईयर किया। अभी यहां तक किया है ना, तो फिलहाल हम फिर से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। कहां जाते हैं पीछे, क्योंकि मैंने आपको चार चीज दिखाया इसके लिए ताकि आप समझो कि मैंने पहले कैलकुलेटेड कॉलम कैलकुलेट किया क्योंकि वो डेटा उसके अंदर नहीं था, क्योंकि हमको चाहिए था क्या, सेल्स बाय डे, मतलब वो टोटल सेल्स अगर मुझे निकालना है उस डे का नहीं, मतलब पूरे के पूरे कैलकुलेटेड कॉलम का, तो कैसे निकालूंगा डे वाइज। तो यहां पे फॉर्मूला ऑलरेडी है सेल्स बाय डे का, कैलकुलेट टोटल सेल्स, मतलब टोटल सेल्स ऑलरेडी मिला हुआ है, ग्रुप बाय लिस्ट ऑफ ऑर्डर डेज, मतलब वो डे के अंदर में जो डेटा अवेलेबल है दोनों टेबल के अंदर में उसको कनेक्ट करो। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे एक चीज एक दो कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि क्वार्टर या मंथ का, तो आप बाकी का समझ जाओगे क्या मैं कह रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल इसको डैक्स के अंदर कैसे यूज करते हैं, यहां मैं आ जाता हूं एंड आई एम राइटिंग हियर, यहां पे क्या करना है, एक न्यू मेजर्स लिखते हैं और मैं यहाँ पे डे का हो गया, क्वार्टर का हो गया, मंथ का हो गया, ईयर का हो गया ना, सो एक हम मेजर्स लिखेंगे जहां पे हमको कैलकुलेट करना है मंथ का एवरेज सेल्स। यहां पे मंथ लिख देता हूं, मंथली एवरेज सेल्स इज इक्वल टू कैलकुलेट, हमेशा कैलकुलेट जब भी आपको यूज करना है तो कैलकुलेट, यहां पे क्या करना है आपको एवरेज सेल्स निकालना है। तो हमारे पास तो सेल्स इसके अंदर में क्या एवरेज हमने निकाला नहीं था, ठीक है, तो एवरेज पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली क्या यूज करूंगा, फंक्शन यूज कर लेता एवरेज और इसके अंदर में किसका, सेल्स का एवरेज, तो सेल्स डेटा किधर है, तो सेल्स के ऊपर करता हूं तो ये मेरा सेल्स मिल जाता है। तो मैंने क्या किया कि कैलकुलेट एवरेज ऑफ सेल्स, मतलब जितना भी 2.35 मिलियन का अगर हम एवरेज निकाले फॉर वो जो भी सिलेक्शन है, कॉमा, ठीक है, इसको सॉरी बंद करके ये मेरा एवरेज कैलकुलेट करके देगा। उसके बाद फिल्टर फंक्शन हम यूज कर रहे हैं जहां पे हमको ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय मतलब क्या कि जो भी चीज हमने सेलेक्ट किया, मतलब क्या कि कैटेगरी के अंदर से, कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी के अंदर फर्नीचर का जो भी ट्रांजैक्शन डेटा हुआ है, मतलब कैटेगरी के अंदर फर्नीचर है, होम ऑफिस है और अलग अलग चीज है, ठीक है, तो सिर्फ मुझे कैटेगरी के अंदर ना फर्नीचर का टोटल सेल्स या एवरेज मंथली सेल्स कितना हुआ वो दिखाओ, तो वो फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हम ओवरऑल सब सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे हमको टेबल लेना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स टेबल ले लिया जिसके अंदर में ये ग्रुप बाय करने वाले हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे मंथ वाइज हमको चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिस्ट ऑफ ऑर्डर मंथ जो हमने ऑलरेडी बनाया है, ये वाला जो हमने कैलकुलेटेड कॉलम बनाया। तो अभी आपको समझा कि मैंने यहाँ पे बेसिकली कॉलम क्यों क्रिएट किया था, अगर मंथली सेल्स मुझे जानना है तो यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा दो बार, राइट, अभी मेरा मंथली एवरेज सेल्स कैलकुलेट करके देगा। ऐसे ही आपको अगर ये मंथली एवरेज हो गया, अगर आपको ईयरली रहेगा तो यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ ग्रुप बाय के अंदर में बोला ईयरली सेलेक्ट कर लोगे, या डे का करना होगा तो डे का सेलेक्ट कर लोगे, मंथ का करना होगा तो मंथ का सेलेक्ट कर लोगे। अभी हमने ये कर दिया तो एवरेज सेल्स का पता लगाते हैं कितना है, ये ले लेते हैं एंड नाउ लेट्स पुट दिस मंथली एवरेज सेल्स। तो हमारा मंथली एवरेज सेल्स अराउंड $291,000 के आसपास दिखा रहा है यहाँ पे, $291 के आसपास मंथली एवरेज सेल्स, राइट, यहाँ पे ये दिख रहा है। अब और इसको बेटर करने के लिए 2000, क्योंकि इसमें जब तक हम डेट नहीं डालेंगे तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा, सो लेट्स कंसिडर लिस्ट ऑफ ऑर्डर के अंदर से हम ऑर्डर डेट ले लेते हैं, डेट ऑर्डर डेट ये हम डाल देते हैं इधर पे, सॉरी इसके अंदर से भी मैं डेट नहीं सिर्फ ईयर लेता हूं तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। हायरार्की को और ओपन करो और सिर्फ ईयर ले लीजिए आप,
राइट सो यहाँ पे जैसे कि ये है, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, स्लाइसर सेटिंग पे जा करके बिटवीन के जगह पे हम इसको ड्रॉप डाउन यूज कर लेंगे, तो ये ऑल ईयर का है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2012 का चाहिए, 13 का चाहिए, तो उसके हिसाब से ये चेंज होता जाएगा। आप देख रहे हो 299, 293, तो ऑन एन एवरेज इनका 290 के ऊपर का ही दिख रहा है, राइट। 288 भी गया है, मतलब उस टाइम पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, 283 पे भी गया है, राइट। सो वी आर गेटिंग एन आइडिया। तो हमने इसका डैक जैसे लिखा, इसी तरह आप डे का कैलकुलेट करना, एवरेज डेली सेल्स, एवरेज मंथली सेल्स, एवरेज क्वार्टरली सेल्स, एवरेज ईयरली सेल्स, एवरेज वीकली सेल्स, आपको जो भी करना है वहां पे सिर्फ मंथ के जगह पे सबका कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर दो। तो समझा आपको कि कैलकुलेटेड कॉलम क्यों बनाते हैं।